राजनीति में पत्नी को लाना भूल हो गई, पत्नी अब किसी और की हो गई और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये कहना है जिला पंचायत सदस्य स्मिता टेकाम के पति कंचन टेकाम का। कंचन टेकाम पेशे से मजदूर है। वो कहते हैं कि जब से उसकी पत्नी स्मिता टेकाम और भाजपा नेता शंकरलाल बिसेन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी है, उसका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बिखर गया है। हमारी पत्नी को हमने जिला पंचायत सदस्य बनाया सभी मतदाता साथियों के सहयोग से। उसके कुछ दिनों के बाद में राजनीतिक जो ऐसा कुछ समय आया जो हमारी पत्नी को राजनीतिक मीटिंगों में जाना पड़ा, ऑफिसों में जाना पड़ा, तो वह आती जाती थी, मेरे साथ में आती जाती थी और कभी कभी अकेले भी आती थी। तो जो डॉक्टर शंकरलाल बिसेन जो जनपद के उपाध्यक्ष हैं उनके साथ मेरी पत्नी के अवैध संबंध मेरे द्वारा देखा गया और कुछ ऐसे सबूत मेरे पास में और कुछ ऐसे संज्ञान से मुझे पता चला गुप्त सूत्रों से, और लोगों ने भी बताया कि इस आपकी पत्नी और शंकरलाल बिसेन के अवैध जो संबंध जो चल रहे हैं इससे क्या है आपकी छवि खराब हो रही है और ये दोनों एक कार में बढ़िया घूम रहे हैं, पति पत्नी जैसे ऑफिस में जा रहे हैं, इधर उधर के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अभी बीच में मुझे पता चला शंकरलाल बिसेन की पत्नी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया बोले आपकी पत्नी और मेरे पति शंकरलाल बिसेन 8 दिन तक भोपाल में एक ही कमरे में एक ही होटल में 8 दिन तक के रुक करके आए हैं। कंचन टेकाम ने आज अपनी ही पत्नी के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाए, मीडिया कर्मियों को फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए। इन फोटोग्राफ्स में भाजपा नेता शंकरलाल बिसेन और स्मिता टेकाम दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि फोटो में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, लेकिन कंचन टेकाम ये मान चुके हैं कि अब उसकी पत्नी शंकरलाल बिसेन के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है और इसी को लेकर उसने प्रशासन से ये मांग भी की है कि स्मिता टेकाम से बच्चों को अलग कर उसे पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो है आप सभी के बीच में मैं साझा कर रहा हूँ और शासन प्रशासन को भी दिखाना चाहता हूँ और मैं मेरे क्षेत्र की जनता को भी दिखाना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक संबंध नहीं है, ये पारिवारिक संबंध है और ये अवैध संबंध है जो मेरे साथ में और मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश शंकरलाल बिसेन द्वारा किया गया है और मुझे मारने पीटने की धमकी भी दी जाती है और मुझे शंकरलाल बिसेन से बहुत भय है कि मुझे कभी भी किसी भी प्रकार से यह हमला करवा सकता है और मेरी जान को हानि पहुंचा सकता है। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के और शासन प्रशासन से और ज़िले के मुखिया SP साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले की जाँच आप साइबर से करवाइए कि शंकरलाल बिसेन की पत्नी का फ़ोन मुझे आता है कि मैं शंकरलाल बिसेन की पत्नी को फ़ोन करता हूँ और जो रिकॉर्डेड रखा है वो सच है या गलत है। यदि इस कानूनी रूप से जो जांच होगी उसमें यदि मैं दोषी कहलाता हूँ तो कानूनी रूप से मेरे ऊपर भी जो दंडात्मक कार्रवाई हो मेरे ऊपर भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे लेकिन न्याय मिलना चाहिए, मैं सिर्फ मेरे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कंचन टेकाम ने शंकरलाल बिसेन की पत्नी आशा बिसेन से हुई वार्तालाप के कुछ ऑडियो रिकॉर्ड भी पत्रकारों से साझा किए हैं, जिसमें आशा बिसेन भी ये मान रही है कि उसका पति ही इस कहानी का मुख्य किरदार है। हालांकि आशा बिसेन की ओर से बाद में अपने इन ऑडियो रिकॉर्ड को झुठलाने के लिए कुछ और कहानी गढ़ने की बात भी सामने आ रही है। इसके पीछे स्मिता टेकाम और शंकरलाल बिसेन की ओर से दबाव बनाए जाने का आरोप भी कंचन टेकाम ने लगाया है। भैया बात तक ही सीमित रहती तो मैं चलो छोड़ देती छोटी मोटी बातें करके, वो 8 दिन तक मेरे पति के साथ एक भोपाल शहर में एक ही रूम में रह के आई तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं बताओ। नहीं दीदी आपका कहना बिल्कुल सही है दीदी, अगर मैं उसकी फोटो नहीं देखती तो मेरे को लगता कि मेरा पति किसी और के साथ गया, पर मैंने उसकी फोटो देखी, मंदिर गए हैं दोनों साथ में फोटो खींचा है, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं आप ही बता दो। नहीं नहीं दीदी आप तो बिल्कुल सही दीदी, आप अपने आप को अकेले मत समझो दीदी, मैं आपका छोटा भाई हूँ कंचन टेकाम, आप बिसेन जी की पत्नी हो ठीक है, लेकिन आपका साथ मैं बराबर दूंगा दीदी, आप टेंशन में मेरे को ना उन्होंने दीदी कहीं का नहीं छोड़ी। कंचन टेकाम इस पूरे वार्तालाप के बाद भाजपा नेता शंकरलाल बिसेन के बहाने भाजपा की राजनीति पर भी सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर,
भाजपा की राजनीति ही आदिवासियों के शोषण अत्याचार से जुड़ी हुई है और इस तरह से उन्हें अपमानित करने के लिए वो अपने नेताओं का इस्तेमाल करती है। एक आदिवासी हूँ, आदिवासी गरीब की कभी नहीं सुनी जाती है तो आप भी जानते हैं। और आदिवासियों का तो बिल्कुल बीजेपी वालों ने तमाशा बना के रख दिया है। माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं, उनका घर बर्बाद करते हैं, मारते पीटते हैं। अभी बीच में आपको भी ये भी पता चला था कि आदिवासियों के ऊपर पेशाब तक के किया जाता है, उनको नंगा करके मारा जाता है। ये सब कुछ हो रहा है आदिवासियों से। ये बालाघाट जिले में भी एक नई घटना आपके सामने आ चुकी है कि एक जिला पंचायत सदस्य के पति के साथ कितना गलत हो रहा है और एक जिला पंचायत सदस्य अपने पति का घर छोड़ के शंकरलाल बिसेन के साथ में रहना चालू कर दिया।